नमस्कार दोस्तों, फ्यूजन किचन में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बनाएंगे ग्रिल्ड गार्लिक सोया चाप। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। ये कैसे बनती है आइए देखिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही है तो लाइक का बटन भी जरूर दबाएं। हमें चाहिए सोया चाप, गार्लिक, बटर, ऑयल, नमक और रोस्टेड गार्लिक। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो तब भी ठीक है। आइए अब हम अपनी चापें बनाते हैं। ये हमने एक बर्तन लिया है, इसमें पानी को मिलाएंगे। ये एक कप हमने पानी लिया है और गैस को ऑन करेंगे और साथ ही हमने गार्लिक को कूट लिया है और इसको पानी में मिलाएंगे। गैस की फ्लेम को तेज करेंगे। और ये जो सोया चाप है इसकी स्टिक निकाल देंगे और इसको पानी में मिलाएंगे। पांच मिनट के लिए इसको बॉईल करेंगे और साथ ही नमक को मिलाएंगे, अच्छे से हिला देंगे। जब तक ये हमारी चांपे बॉईल हो रही हैं तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। ये गार्लिक को हम चॉप कर लेते हैं। ये गार्लिक हमने सारा चॉप कर लिया है। अब हमने गार्लिक फ्लेवर्ड ऑयल बनाना है, इसके लिए हमने एक ये तड़के वाला पैन लिया है। इसमें सारा गार्लिक डालेंगे जो हमने चॉप किया। और साथ ही इसमें बटर को मिलाएंगे और जो ऑयल लिया है उसको मिलाएंगे। गैस को ऑन करेंगे और इसको गैस पे रखेंगे। हमारी चांपे भी बॉईल हो चुकी हैं, अब इसकी गैस बंद कर देंगे। चांपों भी इसको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए। गैस को बंद कर देंगे। ये हमारा ऑयल तैयार हो गया है। ये चांपे हमारी ठंडी हो चुकी हैं, अब इसको कट कर लेंगे और एक हमने बाउल लिया उसमें डाल देंगे। ये सारे पीसेस हमने कट करके बाउल में डाल लिए हैं। अब हम इसमें ये जो हमने गार्लिक ऑयल बनाया है इसको मिलाएंगे।
थोड़ा सा हमने बचा लिया ऑयल, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये वुडन की हमने स्टिक्स ली है, ये इजीली मार्केट में मिल जाती हैं, इसमें ये पीसीस को लगाएंगे। इस तरह आप देख सकते हैं, ऐसे ही सारे लगा लेंगे, फिर हम इसको ग्रिल करेंगे। ये चांपे हमने सारी स्टिक पे लगा ली हैं, अब हम इसको ग्रिल करते हैं। ये हमने ग्रिल पैन लिया है, गैस को ऑन करेंगे। जो ये ऑयल बचा हुआ था इसको हम डालेंगे। तो साथ ही शैम्पू को ऐसे लगा देंगे। जो गार्लिक बचा हुआ है इसको इसके ऊपर डाल दूंगा। और ये रोस्टेड गार्लिक था इसको भी मिलाएंगे। पाँच से दस मिनट लगेंगे ग्रिल होने में। ये हमारी चांपे ग्रिल हो चुकी है, अब गैस को बंद करेंगे और प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए ग्रिल्ड गार्लिक सोया चांप हमारी तैयार हो चुकी है। ये कितनी अच्छी बनी है, इसको आप जरूर बनाइए और खाइए, ये बहुत टेस्टी बनी है। इसको हरी चटनी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी बनी है ये। Thank you.